ये कहाँ क्या यहाँ पर लगाया? वो जो बोल रहे थे वो जो बाहर के वजह से गया है उनको बुलाओ। हेक्टरी मैं तसे तुम्हाला सांगतो, मला 7.5 एकर शेती करायला मला तुम्हाला सांगतो 1,05,000 रुपये खर्च आला। 1,05,000 हेक्टर गेले 1,05,000। ओके तीन एकड़ कब लगाया और कब लगाया? पहिल्यापासून पाणी नाही, हा पाणी विहिरीत पाणी नाही, कुठं पाणी नाही, काय नाही। कितना सतरा एक तुम्हाला सांगतो 20,000-25,000 रुपये। 78 पीक विमा जो भरते उसका भी मिड सीजन एवरेसिटी का जो है वो सर्वेक्षण करके भेजा है और अभी अंतिम कंसल्टेशन करना था। तो इनको इंश्योरेंस प्लस जो आपका डिजास्टर का भी मिलेगा? दोनों कितना मिलेगा? डिजास्टर का जिराइत के लिए 8,500 पर हेक्टर, बागायत के लिए 17,000 पर हेक्टर और इंश्योरेंस कितना मिलेगा? ओके तो यील्ड तो कब क्रॉप कटिंग से पता चलेगा? रैंडम कटिंग से चालू है, फाइनलाइज हो जाएगा। वो जो पराठा है वो पीक विमा कंपनी को जाता है और इसके हिसाब से कंपनी का क्या कौन सा कंपनी है? ओरिएंटल है सर। 2,000 रुपया है एकड़ का, मजा आया मैसेज सर। बट हमने सुना 1 रुपए में इंश्योरेंस मिला, 1 रुपए में 2,000 रुपए का जो प्रीमियम है। जो भरते उसका भी मिड सीजन एवरेसिटी का जो है सर्वेक्षण करके भेजा है और अभी अंतिम फाइनल भी कंसल्टेशन करना था। लीटर पर लीटर का खरीदारी में 26 रुपए हो गया, वही इश्यू है ना, दर कमी है। तो हमने सब वो तो हमने हाँ वो हमने सुना था कि हमें 26 रुपए मिल रहा है, 34 रुपए किलो स्टैंडर्ड है गोदरेज का, समृद्धि का 34 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये कम क्यों हो गया अचानक पर लीटर करीब? सर दूध ही अवस्था अशी झाली आहे, पावसाळ्यात पाऊस नाही, पुढाचा पेला पाणी मिळणार नाही, काय नाही, कुठलं काय नाही, अशी परिस्थिती सगळं गेलेलं आहे। आणि हे आमचे मका ज्वारी ह्याता अशा तो और कल भी हम देखेंगे, फिर उसके बाद हमारी रिपोर्ट जो है उसको इंक्लूड करके फिर केंद्र सरकार में प्रस्तुत होगा, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा उसी के मुताबिक इसका कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। क्या आपसे क्या देखा और क्या क्या लगता है आपको? ये नहीं, आप बहुत सूखा है, पानी नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर है, इसीलिए IMCT टीम आई है, हमारा रिपोर्ट में हम इंक्लूड करेंगे।
एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।